सदी है खड़ी, हाँ नई सदी है खड़ी, प्रगति के द्वार यहाँ पर खोले। देख देख भारत की ताकत, सबकी हिम्मत डोले। पुनः प्रतिस्थापना का देखो, समय आ गया है अब। भारत की गरिमा महिमा फिर सबके सर चढ़कर बोले। ऐसे नव भारत के संग में उठो विश्व प्रांगण में, जैसे तिमीर चीर निकला हो प्रखर सूर्य पूरब में, प्रखर सूर्य पूरब में। सम्मानित मंच को नमन, आदरणीय अध्यक्ष महोदय और सभासदों को मेरा प्रणाम। महोदय, एक बेहतर कल के लिए विचार और दुनिया के लिए भारत, मेरा भारत, विकसित भारत 2047 की सोच को आज़ादी के इस अमृत काल में, जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प के रूप में हम सभी के समक्ष प्रस्तुत किया, तब यह एक संकल्प न रहकर 143 करोड़ देशवासियों के सपनों की उम्मीद बन गया। एक ऐसे विकसित भारत की उम्मीद जिसकी नींव वेदों और ऋचाओं ने रखी थी। एक ऐसे विकसित भारत का निर्माण जहां राजनीति, जाति, धर्म, आरक्षण के नाम पर नहीं, बल्कि विकास और रोजगार के नाम पर हो। एक ऐसे विकसित भारत का निर्माण जहां आर्थिक विकास से तात्पर्य न केवल विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना हो, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करके प्रत्येक भारतीय को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, भोजन, आवास की सुविधाएं मिल पाना सुनिश्चित हो। महोदय, एक ऐसे विकसित भारत का निर्माण जहां तकनीकी विकास, सामाजिक स्थिरता, पर्यावरणीय प्रगति और सुशासन के साथ साथ सतत विकास लक्ष्य को भी प्राप्त किया जा सके। अतः महोदय, आज तो भारत इतिहास के उस दौर में है जब देश एक लंबी छलांग लगाने जा रहा है, और ऐसे में भारत का विकसित देश बनने की महत्वाकांक्षा रखना एक सकारात्मक सोच है, और यह संभव भी है, क्योंकि भारत की प्रगति की चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है, और जब पूरी दुनिया में यह चर्चा हो रही है तो सोचने का सही समय भी यही है कि आने वाले 23 वर्षों में देश किन संकल्पों को लेकर आगे बढ़े, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान हमारी युवा पीढ़ी को देना होगा। वो कहते हैं ना कि जिस और जवानी चलती है, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। दुनिया में जहाँ भी बदलाव हुआ है वह तरुणाई ने हमेशा नेतृत्व किया है। अतः महोदय, जिस प्रकार आज़ादी मिलने पर हमारी युवा पीढ़ी ने इस देश को आगे बढ़ाया था, ठीक उसी प्रकार आज युवाओं का लक्ष्य और संकल्प एक ही होना चाहिए कि विकसित देश कैसे बनेगा भारत, विकसित देश कैसे बनेगा भारत। अतः महोदय, किसी भी देश को विकसित बनने के लिए 5 सबसे अहम बातों पर ध्यान देना जरूरी हो जाता है। पहला, नई पीढ़ी को नए कौशल से सुसज्जित करें, और आज इसी क्षेत्र में भारत सरकार की स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, कौशल विकास जैसी योजनाएँ विकास को बढ़ावा दे रही है। तो दूसरा, शोध, अनुसंधान एवं नवाचार पर अधिक ध्यान दें, और आज इसी क्षेत्र में सरकार विभिन्न राष्ट्रीय अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना करके तकनीकी विकास को प्रोत्साहन दे रही है। तीसरा महोदय, दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बने, और आज इसी क्षेत्र में भारत विश्व में दूसरे पायदान पर पहुंच चुका है, जिसमें सबसे बड़ा योगदान मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया हो या फिर गतिशक्ति योजना के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती प्रदान करना हो। आज इन सभी क्षेत्रों में भारत आत्मनिर्भर बन आयातक से निर्यातक बनने की ओर अग्रसर हो चला है। चौथी बात महोदय, देश कृषि क्षेत्र में तो ग्लोबल लीडर बने, और ऊर्जा के क्षेत्र में पीएम कुसुम योजना और राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन जैसे मिशनों के माध्यम से आत्मनिर्भर बने। पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण बात, देश रक्षा प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सक्षम और सशक्त बने, और इन क्षेत्रों में तो देश के चंद्रयान, आदित्य, अल्वन और एक्सपोसेट की उपलब्धियों से कोई भी अपरिचित है ही नहीं। परंतु क्या महोदय, विकसित भारत के मानक इन 5 अहम बातों तक ही सीमित है? नहीं, अपितु हमें तो उन 5 प्रणों को भी अपने साथ लेकर चलना होगा जिनका आह्वान हमारे प्रधानमंत्री जी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर किया था। अतः महोदय, 2047 तक विकसित भारत का संकल्प तो तब सफल है जब सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ किसी संकल्प यात्रा से नहीं अपितु धरातल पर क्रियान्वयन से घर घर तक पहुँचे। GDP और प्रति व्यक्ति आय की दर तो बढ़े, लेकिन उससे पहले बेरोजगारी और भ्रष्टाचारी की दर भी घटे।
भारत चंद्रयान से चांद पर तो पहुंचे, लेकिन उससे पहले हर घर नल, बिजली, भोजन, जल अवश्य पहुंचे। नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसे अधिनियमों से महिलाओं को आरक्षण तो मिले, लेकिन आरक्षण से पहले मेरे देश की प्रत्येक महिला को आपराधिक गतिविधियों से सुरक्षा और उन्नति के हर क्षेत्र में 55% तक का योगदान मिले, तब मेरे विचार में मेरा भारत विकसित भारत है। यही नहीं महोदय, मेरा भारत तो तब विकसित भारत है जब विकास बड़े शहरों तक सीमित न रहकर अमृत मिशन और स्मार्ट सिटी मिशन जैसे मिशनों के माध्यम से टीयर 2 और टीयर 3 शहरों के विकास तक पहुँचे। अतः महोदय, मेरे विचार में भारत की इस विकसित संकल्प यात्रा में युवाओं के विकसित सोच को युवा पोर्टल पर नहीं अभी तो धरातल पर क्रियान्वित होने की ज़रूरत है, क्योंकि किसी भी देश के युवाओं के विचारों की हवा ही उस देश की विजय पताका की दिशा को निर्धारित करती है। इसीलिए भारत अपने विकसित लक्ष्य को प्राप्त करे वो केवल पश्चिमी देशों के विकसित मानकों को लेकर ही ना चले, अपितु भारत तो अपनी वैदिक प्राचीन भव्यता और आज की आधुनिकता के साथ विकसित भारत के संकल्प को प्राप्त करे। अतः इस सभी में हम सभी का सहयोग, सहभागिता और कर्तव्य की पालना को गंभीरता से लेना जरूरी होगा, तभी हम 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को प्राप्त कर पाएंगे। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए कि हो जन जन के मन में प्रवाहित देश का सम्मान, हो जन जन के मन में प्रवाहित देश का सम्मान, बने अखंड आर्यव्रत हमारी महान पहचान। विश्व गुरु की ध्वजा आज लहरा रहा है चंद्रयान, हाँ विश्व गुरु की ध्वजा आज लहरा रहा है चंद्रयान। अब चिड़िया नहीं सोने का बाज बने हिंदुस्तान, सोने का बाज बने हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।